चुनावी चंदे से बीजेपी की जमकर भरी झोली, जाने कितना मिला दान, सुनकर विपक्षियों को लग सकता है जोरदार झटका। चुनावी मैदान में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने, किसकी होगी जीत, दान में मिले पैसों से लगा सकते हैं अंदाजा। चुनाव से पहले जान ले कौन सी पार्टी में है कितना दम, लोगों ने दिल खोल कर भर दी बीजेपी की झोली। लोकसभा चुनाव को अब बमुश्किल से 2 से 3 महीने ही बचे हैं। मैदान में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। उससे पहले जो खबर आई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुड न्यूज बनकर आई है। चुनावी चंदे ने बीजेपी की जमकर झोली भर दी है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे के तौर पर कितने पैसे मिले हैं। भाजपा को 2022 से 23 में मिलने वाला कुल धन 23% बढ़कर लगभग 2,361 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब है कि पार्टी को पिछले साल के मुकाबले 444 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। इस धन का 54% हिस्सा, जो कि 1,278 करोड़ रुपए के करीब है, चुनावी बॉन्ड के जरिए आया है। वहीं पार्टी का खर्च भी 59% बढ़कर 1,361 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल ये खर्च 854 करोड़ रुपए था। चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक की गई भाजपा की 2022-23 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को चुनावी बॉन्डों से 1,294 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछले साल के 1,033.7 करोड़ रुपए से 25% ज्यादा है। व्यक्तियों, कंपनियों और चुनावी ट्रस्टों के दान सहित अन्य स्रोतों से मिला चंदा कुल 648 करोड़ रुपए है। ये पिछले साल के 721.7 करोड़ रुपए से कम है। वहीं आजीवन सहयोग निधि से मिलने वाला चंदा पिछले साल से 19.9 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 177.2 करोड़ रुपए हो गया है। 2022-23 में बैंकों से कुल ब्याज 237.3 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष अर्जित 133.3 करोड़ रुपए के ब्याज से काफी अधिक था। व्यय पक्ष पर अगर बात करें तो 2022-23 में कुल खर्च का 80% चुनाव और सामान्य प्रचार पर था। इस मद पर 1,092 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, जबकि 2021-22 में 645.8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसमें विज्ञापन और प्रचार पर 844 करोड़ रुपए और यात्रा पर 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसकी तुलना में 2022-23 के दौरान कांग्रेस की कुल प्राप्ति 2021-22 में 541 करोड़ रुपए से घटकर 452 करोड़ रुपए रह गई है, जबकि इसका खर्च एक साल पहले 400 करोड़ रुपए से बढ़कर 467 करोड़ रुपए हो गया है। 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसकी योगदान प्राप्तियां घटकर 171 करोड़ रुपए हो गई हैं, जो इसकी कुल दान प्राप्तियों का 63% और इसकी कुल आय का 38% है, जो 2021-22 में 236 करोड़ रुपए थी। अन्य दलों द्वारा दायर 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सीपीएम की कुल प्राप्ति 141.6 करोड़ रुपए, आपकी 85.1 करोड़ रुपए, बसपा की 29.2 करोड़ रुपए और एनपीपी की 7.5 करोड़ रुपए थी।